नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 13 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती, बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके को 1-1 सीट मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए संपर्क मार्ग बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी तट और निकटवर्ती मध्य भारत में मूसलाधार वर्षा और कोंकण महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की। हरारे में T20 क्रिकेट में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बनाई। और विंबलडन टेनिस में बारबोरा क्रैजिकोवा ने फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को हराकर महिला सिंगल्स ट्रॉफी जीती।